कॉ और बफेलो को हीट में लाने का ज़बरदस्त फॉर्मूला आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले प्लीज़ पंजाबी वालियो, हिंदी दे विच वीडियो है थोड़ा एडजस्ट कर लियो, क्योंकि थोड़े व्यूवर्स हिंदी वाले ने, उन्होंने समझ नहीं आती पंजाबी, पर तुसी पंजाबी ते हिंदी समझ लेंदे ने, इन्ना ते हो ही जांदा एडजस्ट, ते तुसी प्लीज़ कर लियो। गावां जां मझां, कॉ और बफेलो दी दो प्रॉब्लम मेन होंगी है। सब तो पहला आपने चेक करानी है उसकी ओवरी, फिर आपने उसका चेक कराना है यूट्रस। पहले हम बात करेंगे यूट्रस की, यानी कि बच्चेदानी। यूट्रस में तीन कंडीशंस हो सकती हैं, जहाँ तो वो एक्टिव है, ठीक है, जहाँ तो वो नॉट एक्टिव है। नॉट एक्टिव को हम फ्लैसिड कहते हैं, और तीसरा उसमें इन्फेक्शन है, ठीक है। इन तीनों कारणों की वजह से उसमें हीट में प्रॉब्लम आती है। एक्टिव है तो ठीक है, अगर नॉट एक्टिव है, जिसे हम फ्लैसिड कहते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए आपको उसका न्यूट्रिशन पूरा करना पड़ेगा 1.5 से 2 महीने तक, वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर उसमें इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन हम क्लियर आउट कर सकते हैं। इन्फेक्शन आप IU फिल करा दीजिए, उसको अच्छी अच्छी तरह से उसको अंदर से साफ़ करा दीजिए, इंट्रा यूट्राइन फिल आउट करवा के। जहाँ तो दूसरा तरीका है कि आप उसके डिस्चार्ज का सैंपल ले सकते हैं, और सैंपल आप किसी लैब में चेक करवा दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट कर दीजिए। ये तो होगी हमारी बच्चेदानी की बात। आगे आ जाती है हमारी ओवरीज। ओवरीज में भी हम तीन कंडीशन लेते हैं। सबसे पहला कि ओवरी का आप किसी भी डॉक्टर से पहले ये चीज़ें ज़रूर चेक करवाइए कि ओवरीज का साइज़ ठीक है। दूसरा आता है कि ओवरीज का साइज छोटा है। अगर आपकी गाय या भैंस के ओवरीज का साइज छोटा है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको आप जितने मर्जी हार्मोन दे लीजिए, तो वो हीट में नहीं आएगी, ना ही उसकी कंसेप्शन होगी। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो जानवर होता है ना, वो अपना बॉडी वेट तो गेन कर जाता है, पर उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जैसे ओवरीज वगैरह, वो उतनी डेवलप नहीं होती, तो वो हीट में नहीं आती। इसके लिए हम नॉर्मली घर विच की होंदा है कि असी सिर्फ पट्ठिया उत्ते या तूड़ी उत्ते अपनिया जो बच्चियां होंदिया ने या झोटियां होंदिया ने, उन्हें छड़ देने हैं। उन्हां नू असी कोई भी कंसनट्रेट जिवें फीड वगैरह असी उन्हां नू नहीं देंदे। जो भी बच्चियां या झोटियां हीट दे विच नहीं आंदियां, उन्हां नू तुसीं डेली उन्हां दा प्रोटीन उन्हां नू तुसीं डेली उन्हां दा प्रोटीन ते मिनरल मिक्सचर दो 2 महीने तक, ते वो तुहाडियां हीट साइन शो करना स्टार्ट कर देंगियां, जदों उन्हां दे अंदर दा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो गया ते। ठीक है जी, ये हो गई साडी ओवरी दी गल, साइज छोटे दी गल होगी। अगे आ गई सिस्ट। सिस्ट जां ते उहदी ओवरीज दे उत्ते सिस्ट ने। सिस्ट भी दो तरह दी हुंदियां ने, एक हुंदी है फॉलिकुलर सिस्ट, एक हुंदी है ल्यूटियल सिस्ट। तुसी जो भी तुहाडे कोल डॉक्टर अवेलेबल है, वो सिस्ट दी ट्रीटमेंट करदे ने। कई बार इहो जिहे भी प्रोटोकॉल हुंदे ने जो दोनों सिस्ट वास्ते, दोनों सिस्ट नूं तोड़ देंदे ने। ते जे तुहाडे डॉक्टर नूं नहीं पता लगदा कि सिस्ट है दोनों विचों, तो फिर वो एक कॉमन प्रोटोकॉल तुसी यूज़ कर लियो। ये प्रोटोकॉल मैं तुहानू किसी होर वीडियो दे विच दस दांगी। जे तुहानू नहीं पता, तुसी थले कमेंट सैक्शन दे विच मैनूं दस दिओ कि सानू सिस्ट तोड़न दा प्रोटोकॉल भी चाहिए, तो मैं तुहाडे नाल वो भी शेयर कर लाँगी। ते अगे आ गई गल कि ये जो ओवरीज दा साइज छोटा होने की जिहड़ी प्रॉब्लम है ना, ये मेनली बफेलोस दे विच ज़्यादा देखने मिलती है, एज़ कंपेयर टू कॉस। जो हड्डियाँ हिफस होंदी है, उन्हां विच ये प्रॉब्लम घट आउंदी है, बफेलोस दे विच ज़्यादा आती है। अगे आ गई इन्हां दी न्यूट्रीशन दी गल। जिवें मैं पहला कहा सी कि किसी की बच्चेदानी फ्लैसिड है, उन्होंने भी दोबारा एक्टिव किदां कराउणा है, ते किसी की ओवरीज का साइज छोटा है, उसनों भी दोबारा एक्टिवेट किवें कराना है, उहदे बारे पहला असीं गल करने आ, फिर इन्हां नूं हीट दे विच किवें लिआउणा उस दे बारे भी गल करांगे। 1.5 से 2 महीने तुसीं उन्हां दी कंटीन्यूअस उन्हां दा न्यूट्रीशन पूरा करो। सब तो पहला उन्हां दी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करो, प्रोटीन पूरा करो, ते मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर तुसी किसी भी कंपनी का यूज़ करो। सबसे पहले आपने ये चेक करना कि उसमें विटामिन A, D और E, ये तीनों विटामिन ज़रूर होने चाहिए उसके मिनरल मिक्सचर में, और एक आता है सिलेनियम। ये सारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं। आपने जिस भी कंपनी का मिनरल मिक्सचर लेना, उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, विटामिन A, D, E एंड सिलेनियम।
ये आप जरूर दीजिए, कम से कम 2 किलो 2.5 किलो, 2 से 2.5 किलो आपने उसको डेली कंसंट्रेट देना है, तो वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखाने शुरू कर देगी। इसके अलावा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो की, वो है अलसी का तेल। आपने डेली उसको 50 ml कंसंट्रेट के साथ उसको अलसी का तेल देना है। तुसी अपने घर च जो प्योर अलसी का तेल दोगे तो ज़्यादा बैटर रिजल्ट ने। जो असी मार्केट तो परचेज करते हैं, तुसी किसी भी जो फीड मिलर वगैरह होंगे ने ना, उन्हें को अलसी पिसवा के जा तो उन्होंने वधिया क्वालिटी का कितने अलसी का तेल मिलता, वो लेंदे ने ना, उन्हें को अलसी पिसवा के जा तो उन्होंने वधिया क्वालिटी का कितने अलसी का तेल मिलता, वो लै लो, वो बहुत वधिया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 25 ml तुसी सवेरे मॉर्निंग फीड दे विच मिक्स करना, 25 ml शाम वाली फीड दे विच मिक्स करना। एक कंसनट्रेट तुसी डेली उन्हें 1 महीने वास्ते दवो, तो इन्ने वधिया रिजल्ट देखने को मिल लगे ना कि तुसी हैरान हो जाओगे। इस तो अगे आ गई, ये नाल नाल जे तुहाडे को कोई डॉक्टर अवेलेबल हैगे ना, चंगे डॉक्टर, तो उन्हां को हफ्ते च एक बारी तुसी उहदे यूटरस की बच्चेदानी की मसाज करा दो, तो ये नाल भी जो तुसी न्यूट्रिशन दे रहे हो वो दुगना इफेक्ट करते हैं उहदी बच्चेदानी की, जे तुसी डेली हफ्ते विच एक बारी मसाज करा देंदे हो। तो 4 हफ्ते करो, हफ्ते मतलब महीने में 4 बारी मसाज कराओ, ते नाल ही न्यूट्रिशन दो, 2 से 2.5 किलो विटामिन्स तुहानू मैं दस दित्ते आ, माइक्रो मिनरल्स भी तुहानू मैं दस दित्ते किहड़े ज़्यादा जरूरी ने, ते नाल तुसी अलसी का तेल दवो, ते होपफुली तुहाडा सारिया समस्यावां दूर हो जाणगियां जिन्हां दी भी हीट की प्रॉब्लम सी। ते कुछ चीज़ां ने होर मैं डिस्कस करनियां तुहाडे नाल, वो फिर असीं नैक्सट वीडियो दे विच करांगे। वीडियो लंबी हुंदी जा रही है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दियो, तो कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर को ये सारिया चीज़ा चेक करा लो। पहले तुसी ओवरीज चेक करा लो, फिर तुसी यूटरस चेक करा लो, जेड़े भी तुसी गांव दा जां तुसी मां दे उत्ते तुसी करना है, तो ये चीज़ा जरूर करवा लो।